सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल तेजू सिलाई ट्यूटोरियल। आज हम प्रिंस कट का ब्लाउज कट करने वाले हैं। खास करके बिगनर्स ध्यान जरूर दीजिएगा। एक बार आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, आपको एक्स्ट्रा दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिना किसी पेपर पे कटिंग किए सीधे ब्लाउज पर ये कटिंग कर सकते हो और आपका ब्लाउज बिल्कुल भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें नॉर्मल सा ब्लाउज लेना है और इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है, जैसे हम सारे ब्लाउज फोल्ड करके रखते हैं कटिंग के लिए। अब इसकी लेंथ हमें ले लेनी है। मैं जानबूझकर थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा ले रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर पाऊँ और निकाल पाऊँ, और जो भी हमारा मेन फैब्रिक है उस पर हम काम करें और दूसरा जो भी फैब्रिक है वो हमें डिस्टर्ब ना करें। तो हम कुछ इस तरीके से 15 इंच लंबाई वाला ये फैब्रिक लेकर फोल्ड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके अगर लेंथ 13 की है तो 1 इंच बढ़ा लें। मेरी लेंथ जो है 13 है, इसलिए मैं 14 इंच की लेंथ ले रही हूँ ताकि शोल्डर में नीचे जब पट्टी फोल्ड होगी तो उसमें वो थोड़ा थोड़ा सा चला जाएगा। देन हमें शोल्डर लेना है, 5.5 इंच का हमें शोल्डर लेना है। इसकी आर्मोल की जो लेंथ है वो हमें 6 इंच की रखना है। आर्मोल की लेंथ हमें 6 इंच की रखना है। देन स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। फिटिंग अगर हमारी 32 हो, 32 का हमें 1/4 भाग लेना है। 32 का 1/4 भाग हमारा हुआ 8, तो हमें इस तरीके से टेप को रखना है, 8 पर इस तरीके से निशान लगाना है। देन हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेनी है। अगर एक्स्ट्रा मार्जिन आप 1 इंच लेना हो तो 1 इंच ले, या फिर 1.5 इंच आप ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेना है। एक लाइन हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर ली है। अब आती है कमर की बारी। अगर हमारी कमर की फिटिंग कुछ इस तरीके से 28 है तो उसका 1/4 भाग हमें लेना है, जो आया 7 इंच के समथिंग। तो 7 इंच हमें रखना है और यहाँ पर निशान लगाना है। उससे पहले हम कुछ इस तरीके से नीचे वाली लाइन पूरी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि नीचे का फैब्रिक वेस्ट है वो बाद में हम हटा लें। अब 7 इंच निशान लगाने के बाद 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ताकि बीच में हम टक्स बनाने वाले हैं इसीलिए। तो उसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लें। ऊपर जो हमने 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ी थी वही नीचे भी ले ली। ये देखिए 1.5 इंच की ऊपर मार्जिन ली थी वही हमने नीचे भी ले ली। दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपस में दोनों निशानों को मिला लिया है। ये फ्रंट वाला भाग है इसलिए 1 इंच की गोलाई हम आर्मोल में देंगे। देन 6 इंच की लेंथ है तो 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और थोड़ी सी गोलाई हम यहाँ पर दे देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने गोलाई दे दी है। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक इंच की। देन हमें यहाँ पर नेक लेंगे। नेक हमारा 2.5 इंच के समथिंग होना चाहिए और शोल्डर हमारा 3 इंच के समथिंग होना चाहिए। तो जो फ्रंट वाला नेक है कुछ इस तरीके से 6 इंच के समथिंग में लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने एक थोड़ा सा चौकने बॉक्स वाला नेक फ्रंट वाला बनाकर रेडी कर लिया है। इसमें हम राउंड शेप देंगे 1/2 इंच के समथिंग कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो कैनवस से जो डिज़ाइनर नेक है वो भी बना सकते हो, लेकिन मैंने सिंपल सा नेक बना लिया है। थोड़ा सा डाउन शोल्डर लेंगे 1/2 इंच से भी कम। अब बारी आती है जो मेन टक से प्रिंस कट का उसे बनाने की। तो हम 9.5 इंच का जो मेन टक से वो आता है, लेकिन हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, 1/2 इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा। 4 इंच की हम चौड़ाई लेंगे कुछ इस तरीके से। देन नीचे से 4 इंच आना चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखिए। ऊपर से 10 इंच आना चाहिए, चौड़ाई इसकी 4 इंच आना चाहिए, देन टक्स इसका 4 इंच। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिए, ये देखिए यहाँ पर 3.5 इंच के समथिंग हमें चौड़ाई तभी लेना है जब हम सेंटर से कट ना करें। अगर आप हुक पट्टी लगाना चाह रहे हो सेंटर में, यानी कि फ्रंट वाले भाग में सेंटर में, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच ही आएगी। अगर आप पीछे हुक लगाते हो तो 3.5 ले सकते हो। देन अब नीचे वाला जो भाग है उसे हम 3.5 इंच के समथिंग लेंगे। ये देखिए 3.5 इंच हमें नीचे वाला भाग लेना है और दोनों पॉइंट को इस तरीके से निशान लगाना है। दोनों निशान कुछ इस तरीके से, ये देखिए निशान मैंने लगा लिया है। अब 2 इंच पर जो हमने टक्स इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन ली थी ना, वो सेंटर में आएगी। तो टेप को हमें कुछ इस तरीके से रखना है और निशान लगाना है। देन हमें लेंथ है इसकी 2 इंच लेना है। की लेंथ भी हमने 2 इंच ले ली, चौड़ाई भी हमने 2 इंच ले ली। अब स्केल की सहायता से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन अब हमें क्या करना है,
ये देखिए यहाँ पर धीरे से यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप देना है। ये देखिए हम अच्छे से दे देते हैं, ये देखिए इस तरीके से हमें राउंड शेप देना है ताकि हम इजीली कटिंग कर पाए। ये जो हमने 2 इंच का टक्स लगाया है ये नॉर्मल ब्रेस्ट के लिए है। अगर आपकी जो ब्रेस्ट है वो नॉर्मल से कम है तो आप 1.5 इंच का भी ले सकते हो टक्स। ये जो निशान है वो ये जो लाइन बनाई है 1 इंच की उससे मिल लेगा कुछ इस तरीके से, आप ऊपर ले सकते हो लेकिन नीचे नहीं। ये देखिए कितना प्यारा हमारा जो ड्राफ्ट है बनके रेडी हो गया है। आपकी जो चेस्ट है अगर वो छोटी हो तो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जो टक्स है वो छोटा कर सकते हो। इस तरीके से आप टक्स छोटा कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी चेस्ट बड़ी हो तो आप 2 इंच का टक्स ले सकते हो। देन हम कट कर लेंगे इसे फटाफट से। ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा है वो फैब्रिक हम कटिंग करके निकाल लेंगे बाहर के। ये देखिए जो भी हमने निशान लगाया है उसे भी हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए इसे भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे जो फ्रंट वाला भाग है पूरी तरीके से कटिंग हो चुकी है उसकी। नेक भी हम कट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और इन भागों को भी हम अलग अलग कर लेंगे सेंटर से ताकि हम हुक पट्टी लगा पाए। छोटे छोटे से नोचेस लगा लेंगे यहाँ पर। ये देखिए अब ये तो बन चुका है, अब बारी आती है बेक की। जो बेक वाला हमारा पार्ट होता है वो जैसा हम सिंपल वाला ब्लाउज बनाते हैं ना सेम उसी की तरह से हमें रेडी करना है। बहुत ईजी तरीका है ये। यहाँ पर थोड़ा सा यानी कि 1 या 2 फीट के बराबर एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेंगे क्योंकि जब हम हुक पट्टी काट करके देंगे तो वहाँ थोड़ा कपड़ा हम जाता है उसके लिए। देन हमें क्या करना है, जैसे हमने पेटी लिया वैसा ही अभी भी लेना है। 5.5 इंच की हमें शोल्डर लेना है, आर्म होल है वो 6 इंच का लेना है, जो चेस्ट है वो 32 का 1/4 आया 8 उस पर निशान लगाना है, एक्स्ट्रा मार्जिन हमें लेना है 1.5 इंच की। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले स्केल की सहायता से फटाफट से। जैसे हमने फर्स्ट में जो भी मार्जिन लेना ऑलमोस्ट आधे मार्जिन वैसे ही बेक में भी लेना है। लेंथ हमें लेना है 14 इंच की। अगर आपकी लेंथ 13 है तो आप 1 इंच बढ़ा के लिए ताकि शोल्डर में थोड़ा सा वो हो जाए और नीचे जो हम एक्स्ट्रा पट्टी लगाते हैं उसमें दब जाए तो वो 13 इंच के लिए हो जाते हैं। मैं नीचे की फिटिंग 28 की है तो हम उसका 1/4 तक 7 इंच का दे देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए हमारा जो यहाँ पर छोटा सा टक्स लगता है ना पीछे वो आधे आधे इंच का ही लगता है, कुल मिला के वो 1 इंच का बनता है। तो हम 1 इंच के एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, देन 1.5 इंच के भी मार्जिन ले लेंगे फिटिंग करने के लिए। जैसे हमने ऊपर ली थी ना वैसे ही एक्स्ट्रा मार्जिन हम फिटिंग के लिए ले लेंगे और स्केल की सहायता से ड्रो कर लेंगे। ये देखिए स्केल की सहायता से हम ड्रो कर लेंगे यहाँ पर। अब हम नेक ले लेंगे। नेक आप ले सकते हो आपके हिसाब से, मैंने किस किस तरीके से सिंपल सा नेक लिया है 2.5 इंच के समथिंग, वो क्लिप मेरी थोड़ी सी छूट गई है तो आप कोई भी यहाँ पर नेक ले सकते हो। अब हम कुछ इस तरीके से पीछे टक्स लेंगे। टक्स हमारे 3.5 इंच की लेंथ वाला है और 1 इंच की इसकी चौड़ाई होगी यानी कि आधा आधा इंच दोनों तरफ निशान लगाएंगे तो ये पूरा 1 इंच का बन जाएगा। देन हमें सेंटर में कुछ इस तरीके से लाइन बनाना है और दोनों कट कर लेते हैं। ये देखिए और जो आर्मोल है वो क्लिप मेरी थोड़ी मिस हो चुकी है। आर्मोल की जो गोलाई मैंने दी है वो 1.5 इंच की दी है, पहले मैंने 1 इंच की गोलाई दी थी और अब मैंने 1.5 इंच की दी है। पीछे वाला भाग आर्मोल का थोड़ा बड़ा होता है और जो आगे वाला होता है वो 1 इंच का ही होता है। ये देखिए ये वाला हमारा जो पार्ट है वो बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा जो प्रिंट कटिंग है वो तैयार हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से स्लीव्स भी कट कर लेते हैं। स्लीव्स वही कट करना है जो आप हमेशा करते हो पैटर्न रख कर कटोरी वाले ब्लाउज में या फिर 4 टक्स वाले ब्लाउज में जो भी स्लीव्स लगती हैं वो वाली स्लीव्स यहाँ पर ले सकते हो। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद खास करके प्रिंस कट था क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि प्रिंस कट के ब्लाउज बताइए खास करके बिगनर्स के लिए, तो मैंने इसमें पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा और एक वीडियो है जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है, उसमें भी मैंने पूरा वीडियो डिटेल में बताया हुआ है।
इस वीडियो में जो स्लीव्स है और जो बैक वाला पार्ट है वो तो सिंपल वाले ब्लाउज होते हैं उसी तरीके से है, लेकिन जो फ्रंट वाली मैंने कटिंग बताई हुई है वो प्रिंस कट की कटिंग है। तो आप उस चीज़ को ज़्यादा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए और वैसे के वैसा बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना भाई तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देन इसके अलावा मुझे कमेंट्स भी करना कि आप आगे आपको क्या क्या सीखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।